हेलो दोस्तों, नमस्कार। मास्टर टेक्नीशियन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को क्लिक करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट करना। उसी के साथ जो हमारा इससे पहले वाला वीडियो बनाया हुआ है, BS6 साइलेंसर में क्या होता है, ये उसी के ऊपर ही दूसरा वीडियो बना हुआ है, तो ज़रूर देखना। उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है और ऊपर आई बटन भी लगाया हुआ है, आप जरूर देखना। इस वीडियो के टॉपिक में साइलेंसर के ऊपर कौन कौन से सेंसर्स और एक्चुएटर्स लगे हुए हैं उसके बारे में आज जानकारी लेते हैं। तो चलो एक एक करके स्टार्ट कर लेते हैं। तो साइलेंसर के ऊपर इंजन से पहला सेंसर जो लगा हुआ रहता है उसे नॉक सेंसर बोला जाता है, ज़्यादा करके उसे अपस्ट्रीम नॉक सेंसर करके बोला जाता है। अपस्ट्रीम सेंसर का मतलब हो गया इंजन के पहला वाला, जो नज़दीक वाला है वो पहला सेंसर, उसे अपस्ट्रीम सेंसर बोलेंगे। तो ये सेंसर क्या करता है, जो इंजन से निकला हुआ एग्जॉस्ट गैस होता है वो गैस इस सेंसर के ऊपर से गुजर जाता है। ज़्यादा टेम्परेचर वाला गैस जब ये नॉक सेंसर के ऊपर से गुजर जाता है तो वो उस गैस के अंदर नॉक्स की मात्रा कितनी है उसका जाँच करते रहता है और ECU को बताते रहता है। अब जो ये नॉक सेंसर रहता है वो DOC से पहले लगाया हुआ रहता है, ये हमेशा गैस के अंदर का नॉक्स का वैल्यू कितना है वो ECU को अपडेट देते रहता है। इसके बाद इसके नज़दीक ही दूसरा एक सेंसर लगाया हुआ रहता है, उसे बोला जाता है एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर सेंसर। ये जो सेंसर है वो DOC से पहले लगाया हुआ है। ये सेंसर क्या करता है, इंजन के तरफ से आने वाला जो एग्जॉस्ट गैस है उसका टेम्परेचर कितना है, मतलब DOC से पहले जो लगा हुआ सेंसर है वो DOC का पहले का टेम्परेचर का वैल्यू ECU को बताता है। अब ये जो एग्जॉस्ट टेम्परेचर सेंसर गाड़ियों में लगा हुआ रहता है साइलेंसर के अंदर, वो PTC टाइप का रहता है। PTC टाइप का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इसमें जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाता है वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ते जाता है। चलो अब आगे देख लेते हैं। वैसे ही टेम्परेचर सेंसर एक DOC के बाद लगा हुआ मिलेगा हमें, और ये जो बीच वाला हिस्सा है वो DPF है, और DPF के बाद ये जो दोनों सेंसर है अपने अपने जगह का टेम्परेचर का वैल्यू ECU को बताते रहता है। एक DOC के बाद वाला एग्जॉस्ट गैस का टेम्परेचर और दूसरा हो गया DPF के बाद वाला एग्जॉस्ट गैस का टेम्परेचर। उसके बाद ये सिस्टम में और एक सेंसर हमें लगा हुआ मिलेगा, उसे बोलेंगे डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर। उसका एक पाइप रहेगा DPF के पहले लगा हुआ मिलेगा और दूसरा पाइप DPF के बाद लगा हुआ मिलेगा। ये जो दो पाइप लगे हुए हैं वो डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर को लगे हुए मिलेंगे। अब ये सेंसर क्या करता है, जो DPF है डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर, ये क्या करता है, जो DPF से पहले आने वाला एग्जॉस्ट गैस का प्रेशर और DPF के बाद जाने वाला एग्जॉस्ट गैस का प्रेशर, इसका वैल्यू माप के ECU को बताता है, और उसी बेस के ऊपर ECU DPF के अंदर कितना सूट मास है ये कैलकुलेट करता है, और उसी के ऊपर किस प्रकार का रिजनरेशन करना है वो डिसाइड करता है। अब इसके आगे हमारा एक एक्चुएटर लगा हुआ रहता है, वो क्या, यूरिया इंजेक्टर। ये यूरिया इंजेक्टर क्या करता है, ECU जब इसको कमांड देता है तभी वो यूरिया का स्प्रे मिक्सचर के अंदर करता है। अब यूरिया इंजेक्टर के बाद साइलेंसर के ऊपर, मतलब ATS सिस्टम के ऊपर डाउनस्ट्रीम नॉक सेंसर लगाया हुआ रहता है। अब ये इंजन के साइड से ये दूसरा सेंसर लगा हुआ है इसलिए इसको डाउनस्ट्रीम बोलेंगे। जो पहला वाला लगा हुआ है उसको अपस्ट्रीम बोलते हैं, और ये दूसरा लगा हुआ है इसलिए उसको डाउनस्ट्रीम सेंसर बोला जाता है, जो साइलेंसर के आउटलेट पे लगा हुआ है।